दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता। और ये देखिए, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और यमी लग रहा है और बाहर से एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी। सिर्फ एक चम्मच ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा, तो है ना हेल्दी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें एक कप बेसन लिया है और साथ में ले रहे हैं आधा कप सूजी और इसी के साथ हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा और साथ में आधा कप दही ले लेंगे। अगर दही खट्टा है तो और भी बढ़िया, और अगर दही कम खट्टा है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच अजवाइन और अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। साथ में कुछ सूखे मसाले जैसे कि आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर डालेंगे। साथ में स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्लैक सॉल्ट एंड व्हाइट सॉल्ट, तो नमक आप उसी रेशियो में डालिएगा। अब हम कुछ इसमें बारीक कटी हुई सब्जियाँ जैसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी और कॉर्न ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ी सब्जी आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा और थोड़ी सब्जी आप बाद में यूज करने के लिए बचा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सब्जी ऐड कर दी है और थोड़ी सब्जी मैंने बाद के लिए बचा ली है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पानी आपको थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है ताकि हमारा बैटर ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पे मैंने अभी आधा कप पानी डाला है और बैटर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इस ब्रेकफास्ट में हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स सब मिलेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी होने वाला है। ये ब्रेकफास्ट आपकी वेट लूज जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए बटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। इसको 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और जैसा कि हम सभी जानते हैं सूजी काफ़ी पानी अब्सॉर्ब करती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे, आप देख सकते हो बटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको इसको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल को पूरे पैन में इस तरह से फैला देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है थोड़ी सी राई और थोड़े से तिल्ली के बीज हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं, यानी कि सफ़ेद तिल इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। अब जो बैटर हमने रेडी किया था उसकी 2 करछी इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से फैला देते हैं। अब जो वेजिटेबल हमने बचाई हुई थी उसको इस तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो दोस्तों ये नाश्ता आप अपने बच्चों के टिफ़िन में रखकर भी दे सकते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। तो मौसम के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल आप यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हो, बारीक कटी हुई गाजर, मटर भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर हम चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ क्यूब है, उसको मैं इस तरह से कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस चीज़ था, अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हो। अब धीमी फ्लेम पर इसको ढककर कुक करेंगे। तो धीमी फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट कुक करना है ताकि ये ऊपर तक अच्छे से कुक हो जाए और ऊपर की लेयर जब ड्राई हो जाए और आपको लग जाए कि ऊपर से भी बेसन बहुत अच्छे से सिक गया है, जब नीचे से ये बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दे दे तब इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि दोनों लेयर आपस में अच्छे से जुड़ जाए। और ये देखिए मिनटों में बनकर तैयार हो गया आपका बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या चटनी नहीं तो टमाटर सॉस के साथ ही एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों एक बार बनाए हुए नाश्ते से ही आपका पेट फुलफिल हो जाएगा और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।